ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। পুরি দুনিয়া জিসকে কারণ হিল গই সহম গই, লেকিন আপ ডট করকে খড়ে রহ গে। ভারত কে গাঁও মে তো कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है उसने शहरों को भी बहुत बड़ा सबक दिया है। सोचिए 6 लाख से ज्यादा गांवों वाला हमारा देश, जिनमें भारत की 2/3 से ज्यादा आबादी, करीब करीब 80-85 करोड़ लोग जो गांवों में रहते हैं, उस ग्रामीण भारत में कोरोना के संक्रमण को आप सब गांव वासियों ने बहुत ही प्रभावी तरीके से रोका है। और ये जो हमारे गांवों की जनसंख्या है, 80-85 करोड़ जो जनसंख्या है, अगर हिसाब लगाएं तो ये जनसंख्या यूरोप के सारे देशों को मिला दें तो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये जनसंख्या पूरे अमेरिका को मिला दें, रूस को मिला दें, ऑस्ट्रेलिया को मिला दें, तो भी ये हमारे गांवों की जनसंख्या उससे भी ज्यादा है। इतनी बड़ी जनसंख्या का कोरोना के इतने साहस से मुकाबला करना, इतनी सफलता से मुकाबला करना, ये बहुत बड़ी बात है। हर हिंदुस्तानी इस बात के लिए गर्व कर सकता है। इस सफलता के पीछे हमारे ग्रामीण भारत की जागरूकता ने काम किया है। पंचायत स्तर तक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे चिकित्सा केंद्र, वेलनेस सेंटर, हमारे स्वच्छता अभियान की अहम भूमिका रही है। लेकिन इसमें भी ग्राउंड पर काम करने वाले हमारे साथी, ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जीविका दीदी, इन सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और ये सभी वाहवाही के पात्र है, अभिनंदन के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है। साथियों, अगर यही बात शायद इससे आधी भी अगर कोई पश्चिम होता तो न जाने दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सफलता की कितनी चर्चा होती, कितनी वाहवाही होती, न जाने क्या कुछ होता। लेकिन हम जानते हैं कुछ लोगों को अपनी बात भी बताने में जरा संकोच होता है, कुछ लोगों को लगता है कि भारत के ग्रामीण जीवन की इतनी बड़ी वाहवाही हो जाएगी तो दुनिया में फिर वो क्या जवाब देंगे। आप हकदार हैं इस प्रशंसा के, आप हकदार हैं इस पराक्रम के, आप हकदार हैं इतने बड़े जीवन मौत का खेल जहां खेला जाता है, ऐसे वायरस के सामने गांव को, गांव वासियों को बचाने के लिए प्रशंसा के हकदार हैं। खैर, दुनिया में इस प्रकार का एक स्वभाव है। हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो आपकी पीठ नहीं थपथपाएंगे, लेकिन कोई पीठ थपथपाए न थपथपाए, मैं आपका जय जयकार करता रहूंगा। मैं आपके इस पराक्रम की बात दुनिया में गाजे बाजे के साथ करता रहूंगा, क्योंकि आपने काम करके दिखाया है। आपने अपने हजारों लाखों लोगों को कोरोना से बचाने का पुण्य किया है। आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही हिंदुस्तान के ग्रामजनों ने जो काम किया है, हर गांव ने जो काम किया, हर राज्य में किया है, मैं ऐसे गांव को संभालने वाले, गांव वासियों को संभालने वालों को आज आदरपूर्वक नमन करता हूं।
देश के गरीबों, मजदूरों, श्रमिकों को और उनकी जो शक्ति है, ये शक्ति को भी मैं नमन करता हूं। मेरे देश के गांवों को नमन, शत शत नमन। वैसे मुझे आज एक और भी खुशी खबरी मिली। मुझे बताया गया है कि परसों से पटना में कोरोना टेस्टिंग के एक बड़ी आधुनिक टेस्टिंग मशीन भी काम शुरू करने वाली है। इस मशीन से करीब करीब 1500 टेस्ट एक ही दिन में करने संभव होंगे। इस टेस्टिंग मशीन के लिए भी बिहार के लोगों को मैं बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, अलग अलग राज्यों के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय नीतीश बाबू, अशोक गहलोत जी, शिवराज जी, योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित सांसद और विधायक और सभी अधिकारीगण, पंचायत के प्रतिनिधिगण और टेक्नोलॉजी के जरिए देश को सैकड़ों गांवों से जुड़े मेरे कर्मठ कामगार साथियों, आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे हैं। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जब तक अपने गांव में है, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं। मेरे श्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरूरतों को भी समझता है। आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 6 राज्यों के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे। अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको ये सीक्रेट बता देता हूं। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। साथियों, मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दरमियान एक खबर देखी थी। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो ये जो शहर से श्रमिक वापस आए थे उनको वहां रखा था। उस समय ज्यादातर दक्षिण भारत से जो श्रमिक थे वो आए थे, हैदराबाद से आए हुए थे। और इन श्रमिकों को रंगाई पुताई और पीओपी के काम में वो उनकी मास्टरी थी। अब वो क्वारंटाइन में थे और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे।
तो उन्होंने सोचा कि पैसे पड़े रहेंगे, दो टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उपयोग करिए। और देखिए, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे श्रमिक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस स्कूल का ही कायाकल्प कर दिया। लॉकडाउन के समय उसकी रंगाई पुताई करके बढ़िया बना दिया। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मुझे, मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं, और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा, तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। साथियों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्यक्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने यार दोस्तों माँ बाप के बीच में रहते हुए आपको करने का अवसर मिलेगा। अब जैसे खगड़िया के तेलीहार गांव में आज से आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मंडी और एक कुआं बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसी तरह हर गांव की अपनी अपनी जरूरतें हैं। इन जरूरतों को अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके तहत अलग अलग गांवों में कहीं गरीबों के लिए पक्के घर भी बनेंगे, कहीं वृक्षारोपण भी होगा, कहीं पशुओं को रखने के लिए शेड भी बनाए जाएंगे, पीने के पानी के लिए ग्राम सभाओं के सहयोग से जल जीवन मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जहां जरूरी और आवश्यक है, सड़कों के निर्माण पर भी उतना ही जोर दिया जाएगा। और हां, जहां पंचायत भवन नहीं है, वहां पंचायत भवन भी बनाए जाएंगे। साथियों, ये तो वो काम है जो गांव में होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस अभियान के तहत आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को जोड़ा जाएगा। अब जैसे शहरों की तरह ही गांव में भी हर घर में सस्ता और तेज इंटरनेट होना जरूरी है। जरूरी इसलिए ताकि गांव के हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें। गांव की जरूरतों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ा गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गांव में शहरों से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। गांवों में इंटरनेट की स्पीड बढ़े, फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े कार्य भी होंगे। साथियों, ये सब, ये सारी योजनाएं काम करेगा कौन? गांव के ही लोग करेंगे। मेरे जो श्रमिक साथी साथ में जुड़े हैं, आप लोग ही करेंगे।
चाहे मजदूर हो, मिस्त्री हो, मटेरियल बेचने वाले छोटे दुकानदार हो, ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, हर प्रकार के साथियों को रोजगार का इसमें अवसर है। जो हमारी बहनें हैं उनको भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वो अपने परिवार के लिए अतिरिक्त साधन जुटा सके। साथियों, यही नहीं, आप सभी श्रमिकों, आप सभी के हुनर की मैपिंग की भी शुरुआत की गई है, यानी कि गांव में ही आपके हुनर की पहचान की जाएगी, ताकि आपके कौशल के मुताबिक आपको काम मिल सके। आप जो काम करना जानते हैं उस काम के लिए जरूरतमंद खुद आपके पास पहुंच सकेगा। साथियों, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना महामारी के समय में आपको गांवों में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गरीब के स्वाभिमान को हम समझते हैं। आप श्रम एव जयते, श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं। आपको काम चाहिए, अवसर चाहिए, रोजगार चाहिए। इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है। इस योजना को इतने कम समय में लागू किया है। इससे पहले आपकी और देश के करोड़ों गरीबों की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सरकार ने लॉकडाउन के प्रारंभ में ही तुरंत एक के बाद एक कदम उठाए थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हुई थी। और मुझे बराबर याद है कि जब शुरू में हमने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं लाए तो चारों तरफ चिल्लाहट शुरू हुई थी। उद्योगों का क्या, व्यापार का क्या, एमएसएमई का क्या, सबसे पहले ये करो। बहुत लोगों ने मेरी आलोचना की थी।